दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको भारत देश के उन महान वीरों के अंतिम समय के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए अपना सब कुछ न्योछावर कर दिया। हम जानेंगे कि भारत के इन महान योद्धाओं का अंतिम समय किन हालातों में बीता। चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं वीडियो। छत्रपति शिवाजी महाराज। शिवाजी महाराज मराठा साम्राज्य के पहले छत्रपति राजा थे। शिवाजी ने ही सबसे पहले मराठा साम्राज्य का सपना देखा और उसे सच करके दिखाया था। उनका जन्म 19 फरवरी 1630 को पुणे के शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी महाराज ने आम लोगों को अपने साथ मिलाकर मुगल और दूसरे छोटे राजाओं के खिलाफ एक सेना का निर्माण कर लिया था। वो लगातार किलों को जीतते हुए मुगलों की नाक में दम करते जा रहे थे। वो दौर ही ऐसा था जिसमें हर राजा अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था, कोई बल से तो कोई छल से, कोई क्रूरता से तो कोई हठ के कारण, पर अधिकांश राजाओं का मकसद सिर्फ और सिर्फ विजय हासिल करना था। ऐसे में शिवाजी महाराज का सपना था एक ऐसे साम्राज्य की नींव रखी जाए जिसमें सबको समान अधिकार मिलेंगे। शिवाजी महाराज चाहते थे कि उनका बनाया मराठा साम्राज्य आगे बढ़ता जाए, उस पर किसी प्रकार की कोई आंच ना आए। लेकिन अपने आखिरी समय में वो अपने परिवार की वजह से तनाव में रहते थे। शिवाजी महाराज और संभाजी के बीच अनबन की खबरें बहुत से इतिहासकारों के द्वारा लिखी गई हैं। ये आपसी अनबन इस कदर बढ़ गई थी कि शिवाजी महाराज को अपने पुत्र संभाजी को पन्हाला के किले में कैद करने का हुक्म देना पड़ा था। शिवाजी महाराज और संभाजी के बीच अनबन की बड़ी वजह संभाजी की सौतेली मां सोयरा बाई मोहिते थी, जो संभाजी की जगह अपने पुत्र राजा राम को शिवाजी का उत्तराधिकारी बनाना चाहती थी। पारिवारिक झगड़ों और मराठा साम्राज्य की चिंता करते हुए शिवाजी की तबीयत खराब होने लगी थी और 3 अप्रैल 1680 को हनुमान जयंती के दिन रायगढ़ के किले में शिवाजी महाराज की मृत्यु हो गई। सम्राट अशोक। सम्राट अशोक भारत के इतिहास के एक ऐसे योद्धा थे जो मौर्य साम्राज्य को बुलंदियों तक ले गए। उनका जन्म 304 ईस्वी पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। उनके पिता बिंदुसार और दादा महान चंद्रगुप्त मौर्य थे। सम्राट अशोक अपने जीवन में हर उस विजय के लिए तत्पर थे जिन्हें उनके दादा और पिता हासिल नहीं कर पाए। अशोक ने अपने जीवन में बहुत सी लड़ाइयां लड़ी और अपनी जीत का परचम दूर दूर तक लहरा दिया। कुछ बोध किताबों में जिक्र है कि अशोक ने अपने भाइयों को मरवा दिया था और सिर्फ एक भाई को ही जिंदा छोड़ा था। सम्राट अशोक को आज भले ही महान बोला जाता है, लेकिन अशोक की क्रूरता की दास्तां भी डराने वाली है। परंतु कलिंग को जीतने के बाद अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया था। कहा जाता है कि इस लड़ाई में 1,00,000 से अधिक लोगों की बड़ी बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। इस युद्ध में हुए भीषण नरसंहार ने अशोक को हिलाकर रख दिया था, जिसके बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि लड़ाई के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म नहीं अपनाया था, बल्कि वो पहले से ही बौद्ध धर्म के अनुयायी थे। सम्राट अशोक ने दुनिया के बहुत से हिस्सों में बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए साधुओं को भेजा। अशोक ने बौद्ध धर्म स्थलों के लिए बहुत सा धन दान दिया। अशोक ने 84 स्तूपों का निर्माण भी करवाया था। सम्राट अशोक अपने अंतिम समय में 1,000 ब्राह्मणों को भोजन कराए बिना कुछ नहीं खाते थे। अपने आखिरी समय में अशोक की बेचैनी बहुत बढ़ गई थी। दूसरी तरफ बहुत ज्यादा धन दान देने की वजह से उनके आमत्य भी उनसे नाराज हो गए थे और उन्होंने राजकुमार संपत्ति को भड़का दिया था, जिसके बाद अशोक के धन वितरण करने पर रोक लगा दी गई और उन्हें खाने के लिए सिर्फ आधा आंवला दिया जाने लगा। कहते हैं कि वो उस आंवले को भी दान में दे दिया करते थे। इस तरह 232 पूर्व में पाटलिपुत्र में उनकी मृत्यु हो गई। पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान की प्रसिद्धि और उनका यश भारत के महान राजा के रूप में हमेशा ही बना रहेगा। पृथ्वीराज चौहान को भारतवर्ष का अंतिम हिंदू सम्राट भी कहा जा सकता है, क्योंकि पृथ्वीराज के बाद भारत में मोहम्मद गौरी के द्वारा स्थापित मुगल वंश की स्थापना हो गई थी। पृथ्वीराज चौहान का जन्म 1166 में हुआ था। उन्हें राय पिथौरा और पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जाना जाता है। अभी पृथ्वीराज मात्र 11 वर्ष के ही हुए थे कि उनके पिता का देहांत हो गया, जिसके बाद वो राजा बन गए थे।
धीरे धीरे उत्तर भारत में उनका प्रभाव बढ़ने लगा और उन्होंने बहुत से राजाओं को परास्त कर उत्तर भारत में खुद का वर्चस्व स्थापित कर लिया। इसके बाद वो दिल्ली के राजा बने। इस बीच विदेशी आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी बार बार हमारी धरती पर आक्रमण कर रहा था। पृथ्वीराज चौहान ने 17 बार उसे मुंह तोड़ जवाब दिया और हराकर भारत से खदेड़ दिया, लेकिन हर बार उसे जीवन दान देकर छोड़ दिया, ये गलती की। इस तरह 1191 में तराइन के पहले युद्ध में भी गौरी को हार का सामना करना पड़ा, लेकिन तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हराने में वो सफल रहा। इस लड़ाई में बहुत से गद्दारों की वजह से पृथ्वीराज की हार हुई थी। युद्ध में हारने के बाद पृथ्वीराज को बंदी बना लिया गया और मोहम्मद गौरी उन्हें अपने साथ अफगानिस्तान ले गया। कहा जाता है कि आज भी पृथ्वीराज की समाधि अफगानिस्तान में है। एक दावा किया गया कि शेर सिंह राणा अफगानिस्तान से पृथ्वीराज की अस्थियां भारत लेकर आए थे। टीपू सुल्तान, भारत के सबसे बड़े योद्धाओं में टीपू सुल्तान का नाम भी आता है। टीपू सुल्तान को टाइगर ऑफ मैसूर भी कहा जाता है और इसके पीछे की कहानी कुछ उसी तरह की है जैसे कुछ दूसरे योद्धाओं के बारे में प्रसिद्ध है। कहा जाता है कि एक बार टीपू सुल्तान अपने एक मित्र के साथ शिकार पर गए थे और तब उन पर एक शेर ने हमला कर दिया था। शेर के इस हमले में टीपू सुल्तान के सभी हथियार गिर गए थे। तब टीपू सुल्तान ने अपने चाकू से ही शेर को मार डाला था। टीपू सुल्तान की बहादुरी की दास्तान सिर्फ इस कहानी तक सीमित नहीं है, बल्कि सिर्फ 15 साल की छोटी सी आयु में टीपू सुल्तान ने अपने पिता हैदर अली के साथ दूसरे एंग्लो मैसूर वॉर में भाग लेकर अपनी वीरता का प्रदर्शन किया था। टीपू सुल्तान का जन्म 1750 में हुआ था। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वो चाहते थे कि टीपू सुल्तान को हर तरह की शिक्षा मिले। हैदर अली जब मैसूर के शासक बने तो उन्होंने अपने राज्य को पूरी तरह से समृद्ध बनाया था। हैदर अली ने वॉर रॉकेट का निर्माण करवाना शुरू कर दिया था, जिसे बाद में टीपू सुल्तान के द्वारा और बड़े स्तर पर शुरू किया गया। इसीलिए टीपू सुल्तान को फर्स्ट रॉकेट मैन भी कहा जाता है। टीपू सुल्तान की हार के बाद उनकी आर्मी के रॉकेट्स को अंग्रेजों के द्वारा लंदन के रॉयल आर्टिलरी म्यूजियम में डिस्प्ले के लिए रखा गया था। टीपू सुल्तान के पिता हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के खिलाफ अपनी जंग जारी रखी थी, लेकिन चौथे एंग्लो मैसूर वॉर में जब मराठा निजाम और ब्रिटिश सेनाओं ने मिलकर टीपू सुल्तान पर हमला किया तो उस लड़ाई में टीपू सुल्तान की हार हुई। लेकिन टीपू सुल्तान पीठ दिखाकर भागना नहीं चाहते थे और उन्होंने कहा था कि हजारों साल बकरी की तरह जीने से अच्छा है मैं एक दिन टाइगर की तरह जीऊं। इस तरह उस लड़ाई में टीपू सुल्तान अंग्रेजों के खिलाफ लड़ते हुए मारे गए। पोरस, पोरस वो दीवार थे जिसने सिकंदर को भारत में घुसने से पहले ही रोक दिया था। पोरस और सिकंदर के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था जिसे पितस्थ का युद्ध कहा जाता है। इस युद्ध में सिकंदर को भारी नुकसान हुआ था। वो उसकी सेना जो कि पहले से ही थक चुकी थी अब वापस लौटने का मन बना चुकी थी। इस लड़ाई के बाद सिकंदर वापस लौट गया था। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदियों के बीच फैला हुआ था। पोरस का राज्य आज पूरे पंजाब के क्षेत्र पर था। पोरस पूर्वी कबीले से संबंध रखता था जिसका वर्णन भारत के प्राचीन ग्रंथों में मिलता है। पोरस को राजापुर के नाम से भी जाना जाता था। पोरस और सिकंदर के बीच जो युद्ध हुआ वो बहुत ही भयंकर था, लेकिन इस युद्ध में पोरस ने जिस वीरता से सिकंदर का मुकाबला किया था उससे सिकंदर भी बहुत खुश हुआ था। ग्रीक इतिहासकारों के अनुसार दोनों के बीच हुई इस लड़ाई में पोरस की हार हुई थी और पोरस को बंदी बना लिया गया था, लेकिन पोरस ने जिस बहादुरी और युद्ध कौशल से सिकंदर से जंग लड़ी थी उसके बाद सिकंदर ने पोरस को अपना मित्र बना लिया। सिकंदर ने पोरस को उसके राज्य लौटा दिए और कुछ जीते हुए प्रदेश भी पोरस को दे दिए। इतिहासकार मानते हैं कि सिकंदर को समझ में आ गया था कि जब पोरस को जीतने में इतनी परेशानी हुई तो आगे उससे बड़े राज्यों को जीतना उसके लिए कितना कठिन होगा, इसीलिए वो वापस लौट गया। पोरस की सेना सिकंदर की सेना के सामने बहुत कम थी, लेकिन उसका साहस सिकंदर के मुकाबले कम नहीं था और उसके पास हाथी थे जो कि उसकी सेना की बहुत बड़ी ताकत थी।
लेकिन हाइडस पास की इस लड़ाई में पोरस के हाथियों और धीरे चलने वाली सेनाओं के सामने सिकंदर की तेज तर्रार सेना और तीरंदाजों ने सिकंदर को जीत दिला दी। युद्ध में जीतने के बाद सिकंदर ने पोरस को बंदी बना लिया। तब सिकंदर ने पोरस से पूछा कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाना चाहिए, बताइए। तब पोरस ने कहा था कि उसके साथ वैसा ही व्यवहार किया जाना चाहिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इसके बाद सिकंदर ने पोरस को अपना मित्र बना लिया। पोरस की मृत्यु के बारे में कहा जाता है कि भारत से वापस लौटते समय सिकंदर की मृत्यु हो गई थी। उसके बाद सिकंदर के ही एक मिलिट्री जनरल यूडेमस ने ही एक षड्यंत्र के तहत पोरस की हत्या करवा दी थी। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और फैमिली के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, शब खैर।